जन्माष्टमी पर फास्ट। कृष्ण को क्या मजा आता हमको तड़पा के। जन्माष्टमी पर तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनती है और इसको खा नहीं सकते। कृष्णा को क्या हम पे जरा से भी दया नहीं आती। बाबा आप छुपे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बेटा मुझे लगता है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप जो सोच रहे हो ना, ये एकदम सही है। है ना, जन्माष्टमी पर तो कोई भी फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। चलो अब भी चलो, मैया को बोलते हैं कि कृष्णा के लिए पिज्जा। हाँ पिज्जा कृष्णा के लिए। हाँ कृष्णा के लिए। ठीक है, बना देती हूँ जन्माष्टमी पर पिज्जा। लेकिन जो तुम दोनों ना पूरे साल खा खा कर ना ठूस ठूस कर कद्दू होते जा रहे हो ना, वो सब बंद। जन्माष्टमी पर कर लो पार्टी और पूरे साल खाइए खिचड़ी दलिये वाली, सिंपल। क्या हुआ टाइम टाइम पे? कहते हो कृष्णा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या एक दिन हम कृष्णा के लिए उपवास नहीं रख सकते? हाँ कृष्णा ने हमें मनुष्य जन्म दिया, हमें भगवद गीता का ज्ञान दिया, इतना आनंद दिया, तो क्या हम कृष्णा के लिए इतना सा कंट्रोल नहीं कर सकते? तो रात को ही मैंने आपको हरी नूडल्स बनाकर दी थी। रोज कुछ ना कुछ स्पेशल खाने को मिलता है, अब ये भी कृष्ण की कृपा से ही पॉसिबल है। और आप तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हो, है ना? कृष्ण के लिए एक दिन कंट्रोल नहीं होता। फास्टिंग चाहे हमें कृष्ण के लिए करनी है, मगर उसका सारा फायदा हमें ही मिलता है। कृष्ण के और पास जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कृष्ण कृपा से भक्ति मिलती है, सेल्फ कंट्रोल होता है और बॉडी स्ट्रांग रहती है। वैसे तो आप दोनों ने ठूसते रहने की कसम खाई है, लेकिन एक दिन तो अपने शरीर को भगवान के लिए आराम दे दो। कोई पिज्जा विज्जा नहीं मिलेगा, कट लो यहाँ से। बाबा देखो मैया कृष्णा को भोग लगा रही है, कृष्णा के तो मजे है। उन्हें उनके बर्थडे पर खाने को इतना कुछ मिल रहा है और हमें कुछ भी नहीं। ओ कृष्णा प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पिज्जा? मगर जन्माष्टमी पर तो ग्रेन्स नहीं खाते ना? हाँ? ये नॉन ग्रेन्स वाला पिज्जा है। तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ? अभी तो तुमने बोला प्लीज कृष्णा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बताओ क्या करना है, मैं कर लूंगा। कृष्णा सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उन्हें हमेशा याद रखें। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, याद है ना? और आज जन्माष्टमी पर अगर हम उन्हें ज्यादा याद करेंगे तो वो और भी ज्यादा खुश होंगे। बस उपवास रखने का यही एक रीजन होता है कि हम कृष्णा को और भी ज्यादा याद रख सकें, बजाय कि हमारा सारा ध्यान खाने पे जाए। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेटर है आप कुछ खा लो, ऑफ कोर्स नॉन ग्रीन्स वाला, और फिर कृष्णा को आप और अच्छे से याद करो। अरे ये भी ऑप्शन है। सी कृष्णा इज सो मर्सीफुल। ओके आई एम रेडी। तो आज आप जितनी चैंटिंग आप रोज करते हो उसकी डबल करो। वाह नंदरानी, तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। चलो हरी पिज्जा खाते हैं और फिर डबल चैंटिंग करते हैं, हैं? खिलाऊं आपको पिज्जा? ये पिज्जा सिर्फ हरी के लिए। आप इतने बड़े हो गए हो, एक दिन के लिए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं मिलेगा आपको खाने को और चैंटिंग भी डबल करनी पड़ेगी। बाबा मेरे को ना आज चैंटिंग करनी है, वो भी डबल, तो मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आप में से कौन कौन है जो जन्माष्टमी पर उपवास रखने वाला है?